अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इशिजा, गुडी शेफ किचन की तरफ से हाजिर हुई हूँ। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब कैसे हैं? क्या मसरूफियात चल रही हैं? और रबी अव्वल की क्या प्लानिंग की है आपने? मैंने तो जो मेरी प्लानिंग थी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आपकी आजकल क्या प्लानिंग है? आप घर में अपने मीठा क्या बनाने वाले हैं? तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें और मुझे आइडिया दें कि मैं 12 रबी अव्वल में आपके लिए क्या स्पेशल लेके आऊँ। तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपनी वो रेसिपीज़ शेयर करूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे कुछ व्यूवर्स ने मेरे साथ मुझे कुछ कहा था, और जिन व्यूवर्स ने कहा था मैं उनको इस बात का आंस देना चाहती हूँ। मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझे कहा था आप नकाब में कैसे रह के कुकिंग कर लेती हैं। तो उन्होंने ही कहा कि नकाब करना और हीट के आगे बहुत मुश्किल है। तो ये है कि नकाब जो है वो मेरा शौक भी है, और हमारा इस्लाम भी कहता है कि आप पर्दा जो बहुत ज़रूरी है औरत के लिए, तो इस वजह से मैं नकाब, मुझे कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजीली नकाब करके आपके लिए रेसिपीज़ भी बना लेती हूँ और व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ख़ुद को अपने नकाब में देखती हूँ, एक पर्दे में देखती हूँ। और वैसे भी हमारी जो फैमिली है वो थोड़ी इस्लामिक टाइप है, तो उस हवाले से मैं जो नकाब करती हूँ, नकाब इज़ माई फेवरेट। तो आप मुझे बताएं कि आप सब कैसे हैं, आप ठीक हैं, और कैसा जा रहा है आप सबका काम, जॉब शॉप जो कर रहे हैं? और मेरी जो सिस्टर मेरे साथ शेफ़ हैं जो काम कर रही हैं, तो आप सब कैसी हैं? अपने काम को कंटिन्यू रखें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ के दिखाएँगे। अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दे, अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो शिजा शहज़ादी को इजाज़त दें, थैंक यू सो मच।